चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थ्री पिन टॉप है वो काफ़ी टाइट है, पूरा स्विच बॉडी खुल चुका है और फिर भी ये थ्री पिन टॉप है, स्विच हमारा ऑफ ही रहना चाहिए, ऑन नहीं अक्सर गीजर में आती ही रहती है। तो दोस्त मुझे यहाँ पे जो फॉल्ट है वो नज़र आ चुका है ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास रिसेंटली एक कॉल आया है जिसमें कंज्यूमर ने बताया है उनका जो गीजर है उसमें करंट आ रहा है। तो दोस्तों आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या करंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आखिर जाके चल के देखते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों अजमेर से करीब 5 किलोमीटर दूर बनाना हॉस्पिटल के आसपास है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। दोस्तों वहाँ पे पहले भी हम जाके आ चुके हैं, तो आखिर जाके देखते हैं गीजर में क्या प्रॉब्लम है। तो बन रहे हमारे वीडियो के साथ, तो चलते हैं फटाफट और आपको बताते हैं। दोस्तों अब हम कंज्यूमर के गीजर के पास आ गए हैं, वो ये है कंज्यूमर का गीजर और इस गीजर में पहले भी प्रॉब्लम आई थी जो कि अर्थिंग का, वो हम यहाँ पे रिपेयरिंग करके गए थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, इसमें करंट आ रहा है, तो हमने लिए है मल्टीमीटर। तो दोस्तों मल्टीमीटर से हमारे पास है जो एक किलोमीटर, सबसे पहले इसका थ्री पिन टॉप है वो शॉकेट से निकालेंगे, तो उससे निकालेंगे, निकालने के बाद ही हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे आखिर इस गीजर में क्या प्रॉब्लम है। तो गीजर चेक करने के लिए स्टेप बाई स्टेप सबसे पहले हम इस थ्री पिन टॉप को निकालेंगे और उसके बाद हम गीजर को पूरी तरीके से चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थ्री पिन टॉप है वो काफ़ी टाइट है और यहाँ पे जल चुका है, अक्सर सर्दी में गीजर में यही प्रॉब्लम होती है, थ्री पिन टॉप जल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे गीजर की थ्री पिन टॉप निकालना है तो वो हमें इस पेचकस की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्री पिन टॉप निकालने से पहले सावधानी ये रखनी है कि यहाँ का जो स्विच है वो पहले ऑफ होना चाहिए। यदि ये स्विच ऑन रह गया, ऑन रहने के बाद यदि आप पेचकस से इस तरीके से निकालोगे तो पेचकस से दोनों टर्मिनल न्यूट्रल और फेस आपस में भिड़ जाएंगे, न्यूट्रल फेस आपस में भिड़ जाने के कारण ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपको भी करंट लग सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार स्विच है बंद रहना चाहिए, यह हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो पिन है काफ़ी पूरी तरीके से चिपक गई है और काफ़ी मशक्क़त करने पर हमें निकालना पड़ रहा है, तो पेचकस की सहायता से कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे स्विच बोर्ड की प्लेट है वो भी निकल चुकी है बाहर, और स्विच बोर्ड की प्लेट निकल गई तो हमें यहाँ पे पेच है वो पेचकस की सहायता से खोल लेते हैं। तो दोस्तों फटाफट खोल के बताते हैं। तो दोस्तों ये स्विच बोर्ड की प्लेट है और ये पूरा स्विच बोर्ड ही खुल चुका है और फिर भी ये थ्री पिन टॉप है काफ़ी तरीके से जाम हो चुकी है, और हमें यहाँ ध्यान देना है स्विच हमारा ऑफ ही रहना चाहिए, ऑन नहीं रहना चाहिए। दोस्तों ये पिन हमारी थ्री पिन टॉप अब निकल चुकी है और ये थ्री पिन टॉप है और यहाँ पे देख चुके हो थ्री पिन टॉप है, जो इसका जो एक टर्मिनल है वो काफ़ी तरीके से जल चुका है पूरी तरीके से, तो इसी कारण ये फॉल्ट है और इसके अंदर हो सकता है अर्थिंग का वायर भी इसमें जो चिपक गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे शॉकेट है वो भी जल चुका है और इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर गीजर में आती ही रहती है। तो दोस्तों ये शॉकेट भी हमें चेंज करना पड़ेगा और ये थ्री पिन टॉप है ये भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। और दोस्तों अब हम इस गीजर को चेक करते हैं, तो गीजर को चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर है और इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे जो कि डायोड मोड पे हो या फिर कंटिन्यूटी मोड पे हो, तो कंटिन्यूटी हमें सेट कर लेना है। तो फट करते हैं इसकी कंटिन्यूटी सेट। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी बिल्कुल सेट हो चुकी है और एक बार आप देख सकते हो कंटिन्यूटी की साइन किस तरीके का रहता है, डायट मोड पे या साउंड मोड पे, तो दोनों में से जो भी मोड हो वो आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर रखा है और ये थ्री पिन टॉप है इसकी मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है, तो मैंने कंटिन्यूटी मोड पे ही सेट किया है इस किलोमीटर को, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो हो रही है, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट है वो मुझे हाल फिलहाल ओके लग रहा है, तो कंटिन्यूटी आती है तो ओके। तो दोस्तों अब हम न्यूट्रल और अर्थिंग को लेते हैं और न्यूट्रल और अर्थिंग में कंटिन्यूटी नहीं बजनी चाहिए, यदि कंटिन्यूटी बजती है तो हम समझ जाएंगे कि इस गीजर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो करते हैं न्यूट्रल और अर्थिंग को टेस्टिंग। दोस्तों हमारे पास जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर की दो प्रो है और रेड और ब्लैक, चाहे तो भले ब्लैक अर्थिंग पे लगा सकते हो और चाहे तो भले रेड अर्थिंग पे लगा सकते हो, इसमें कोई भी प्रो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों हमने रेड कलर की है वो न्यूट्रल पे लगाई है और ब्लैक कलर की अर्थिंग पे लगाई है। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी शो हो रही है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कंफर्म हो चुका है इस गीजर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो इस 3 पिन टॉप के अंदर वायर जल गया वो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर गीजर के अंदर एलिमेंट फट चुका होगा। लेकिन चेक करते हैं सबसे पहले इसकी अर्थिंग को। तो दोस्तों अब हम फेस और अर्थिंग चेक करते हैं। तो फेस और अर्थिंग से क्या प्रॉब्लम है और क्या रिजल्ट आता है वो चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फेस और अर्थिंग को चेक करने पर भी कंटिन्यूटी शो हो रही है, तो इसका मतलब अब हमें पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है इस गीजर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम इस 3 पिन टॉप को हम खोलते और चेक करते हैं तो आखिर इस गीजर में क्या प्रॉब्लम है। तो खोलते हैं अब हम इस 3 पिन टॉप पिन को। अब हम 3 पिन टॉप को खोलने के लिए मैं यहाँ वीडियो करता हूँ फास्ट। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे जो फॉल्ट है वो नज़र आ चुका है। ये पीला वाला अर्थिंग का वायर है और ये ब्लैक कलर का वायर है जो दिख रहा है, ये न्यूट्रल का है और ये रेड कलर का है जो फेस का वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे पीला और रेड कलर का वायर है आपस में टच हो चुके हैं, तो इसी कारण यहाँ पे अर्थिंग के अंदर मतलब पूरे गीजर में करंट आ रहा है। तो लाल कलर का फेस वायर है और पीला अर्थिंग का वायर है, तो इन दोनों के इंसुलेशन उतर गए हैं और ये पिघल करके आपस में एक हो गए हैं। तो दोस्तों इन दोनों वायर को मैं अलग करता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं और इसको बताते हैं। अब मैं गीजर के दोनों वायर है न्यूट्रल और फेस उसको मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर से। तो दोस्तों यहाँ पे है कंटिन्यूटी बता रही है। अब मैं फेस का वायर और अर्थिंग का वायर लेता हूँ तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। तो दोस्तों अब मैं लेता हूँ न्यूट्रल और अर्थिंग, तो चेक करते हैं न्यूट्रल अर्थिंग, तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए। तो यदि बताती है तो ये फॉल्ट नज़र आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल और अर्थिंग का लिया है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वायर है वो मैंने अलग कर दिए थे इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। यहाँ पे न्यूट्रल और फेस मतलब ब्लैक कलर और रेड कलर इन दोनों की ही कंटिन्यूटी बता रही है और इन दोनों पे ही एलिमेंट होता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। अब इसमें अगला जो फॉल्ट है वो ये है कि सॉकेट का है, तो हमें ये सॉकेट है ये भी चेंज करना पड़ेगा। और ये 16 एम्पियर का सॉकेट है जो कि हैवल्स कंपनी का है। यहाँ पे सॉकेट है वो इस पावर प्लग मतलब इस 3 पिन के अंदर फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जल चुका है। तो अब हम सॉकेट को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 3 पिन को हम चेंज करते हैं, तो करते हैं फटाफट इस 3 पिन को चेंज। अब दोस्तों हमने ये 3 पिन टॉप है इसको हमने चेंज कर लिया और जो ख़राब थी 3 पिन टॉप उसको हटा करके हमने ये नया लगा दिया है। तो दोस्तों ये 3 पिन टॉप लगाना कोई भेद नहीं है, इसको कोई भी लगा सकता है। अब दोस्तों हमारे पास जो फॉल्ट है वो हमारा ये है और यहाँ पे ये स्विच है ये बिल्कुल ओके हैं और ये सॉकेट है जो 16 एम्पियर का है इसी को हमें चेंज करना है। और यही प्रोडक्ट और इसी की फ़ोटो और इसी कंपनी का हम लेके आएंगे और इसमें हम लगाएंगे, उसके बाद हम फिट करके आपको बताते हैं। अब दोस्तों मैंने ये यहाँ पे सॉकेट है ये कंपनी का लेके आ गया और इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया है और इसका मैं आपको इंस्टॉल करते हुए समय वीडियो नहीं बताया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने फिट कर दिया, सेम कंपनी का सेम लगेगा, इसके से दूसरा नहीं लगेगा। यदि आप दूसरा लेके आओगे तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसमें फिट नहीं होगा और आप फिर से जाओगे। तो सेम इसकी फ़ोटो खींच के लेके जाओ या इसका मॉडल पता है तो आप मॉडल को ध्यान रखें, नहीं तो इसका प्रोडक्ट खोल करके इसी को खोल करके लेके जाओ और शॉप पे ले जा करके और सेम मैचिंग करके और इसी को बताओ मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए इसकी सेम, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, तो आपको वही प्रोडक्ट आपको यही देगा तभी ये इसमें फिट होगा। ओके दोस्तों ये हमारा गीजर बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पे 3 पिन टॉप बिल्कुल ओके हैं और सॉकेट बिल्कुल ओके हैं जो कि हमने मल्टीमीटर से हमने चेक किया है। यहाँ पे गीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी तरीके से गीजर की जो प्रॉब्लम है उसी तरीके से देखा जाता है। तो दोस्तों अब हम गीजर को चला के देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, ओके बाय।